अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सिद्दीकी प्लेटफॉर्म। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज हम अपने जो गोल्डन के प्लेयर थे उनको सेपरेट करने जा रहे हैं। तो आइए आपको आगे की अपडेट देते हैं कि हम कौन कौन से प्लेयर्स को तोड़ रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर को सेपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब जो है वो हम जितने भी हमारे गोल्डन के जो प्लेयर हैं उनको जो है वो हम तोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको सेपरेशन कर देंगे अभी। क्योंकि काफ़ी जगहों से जो है वो मैंने एग्स उठा लिए थे, और काफ़ी सारी जगहों पर जो है अभी कुछ जगहों कुछ प्लेयर्स के पास जो है वो कुछ एग्स पड़े हुए होंगे, तो मैं उनको भी जो है वो हटा लूँगा अभी। और अब जो है वो गोल्डन के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। कुछ बॉक्स कुछ जगहों पे जो है वहाँ पे मेल डाल देंगे, और कुछ जगहों पे से फीमेल हटा देंगे, सिर्फ मेल छोड़ देंगे। जो हमारे होम ब्रीड में अभी कुछ नए चिक्स हैं उनको, मतलब जो प्रॉपर एडल्ट मेल बन चुके हैं, और कुछ जो हमारे पुराने मेल होंगे तो उनको भी वहीं पर खाली मेल्स करके लगा देंगे। उनकी फीमेल जो है वो सेपरेट एक फ्लाइंग केज में डाल देंगे। जैसे ही उनके मिनरल्स वगैरह पूरे हो जाएंगे सारा कुछ, तो फिर फीमेल्स भी उनको दे देंगे। अच्छा, तो दोस्तों माशाल्लाह जो हमारे जितने भी गोल्डन्स के रूम में, मतलब जितने बॉक्सेस लगे हुए थे, वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो उतार लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेयर्स लगे हुए थे वो सारे के सारे पेयर्स अब सेपरेट करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने जो है ये देखें, माशाल्लाह मेल सारे सेपरेट कर दिए हैं, इधर फीमेल भी सेपरेट कर दिए हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ये पीसीज अलग कर लिए, तो काफ़ी सारे पीसीज जो यहाँ पे सेपरेट हुए हैं इनमें से अभी काफ़ी सारे बर्ड जो है वो सॉर्ट आउट होंगे, और वो सारे के सारे माशाल्लाह इधर सारे केजेस में लग जाएंगे हमारे पास। इसी तरीके से काफ़ी सारी फीमेल्स भी हैं, फीमेल्स भी सॉर्ट आउट होंगी। मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं रहा, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। ये देखें मुमताज़ यहाँ पे अभी भी लगा। मुमताज़ अब क्या कर रहे हो, ये वाला बॉक्स भी उतार रहा हूँ, ये वाला बॉक्स भी उतार लो। जो यहाँ पे मेल्स को सेपरेट करा हुआ है, इसमें से सॉर्ट आउट करके यहाँ पे हमें जो जो म्यूटेशंस के मेल्स यहाँ पे लगाने होंगे, तो इनके जो है वो डोर्स अभी बंद कर दिए जहाँ पे इनके बॉक्सेस लगते हैं। फिर यहाँ पे लाइन से जो है हम प्रॉपर 1, 2, 3 इतनी भी जगहें खाली हैं माशाल्लाह, तो इन सब जगहों पे जो है वो प्रॉपर मेल्स डाल देंगे। मेल्स को फिर मल्टी विटामिन वगैरह इनके जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होंगे वो सारे कंप्लीट करने के बाद फिर हम इनके पास जो है वो फीमेल्स दे देंगे इनको। मुमताज़, अच्छा इस वाले बॉक्स को चेक करो, इसमें अंडे तो नहीं है। इसमें 5 अंडे हैं, तो पहले इसके जो है ना वो अंडे निकाल लो इसमें से। इसमें जो है ना इस बॉक्स में एग्स आए हुए थे, तो इनके एग्स को वो मैं सेपरेट कर ले रहा हूँ वैसे ही, एक एक करके। 3, 4 और 1 5 उस करके हमने जो है वो दोस्तों माशाल्लाह 5 एग्स जो है वो उठा लिए। आप स्क्वायर को भी जो है वो सेपरेट कर देंगे अभी, मेल फीमेल दोनों को। तो दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेल भी अलग कर लिया, और ये वाली फीमेल भी अलग कर लिया। मेल्स को डालें, मेल वाले कलर में जहाँ पर भी हमने दूसरे मेल डाले थे सेम वैसे ही सेम, फीमेल्स को हम इधर फीमेल्स के साथ ही सेपरेट कर देंगे। अभी जो हमने नीचे से जो एग्स को उठाया था पेयर के पास से, वो हमने यहाँ पोस्टर कर दिए। अब वापसी नीचे चलते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको और कंटिन्यू लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है वहाँ पे। सारे के सारे मेल्स जो हैं वो हमें सेपरेट करके लगाने हैं अलग अलग केजेस के अंदर। माशाल्लाह हमने अपनी जितनी भी हाई म्यूटेशन फीमेल्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर डाल दी हैं माशाल्लाह। अब साइज़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह। डिटेल्स में मैं किसी और दिन दिखाऊंगा आपको माशाल्लाह कि इसमें कौन कौन सी फीमेल्स हैं, क्या क्या म्यूटेशन हैं माशाल्लाह से। तो दोस्तों वैसे ही जो माशाल्लाह यहाँ पर तो काफ़ी सारी हाई म्यूटेशन की जो फीमेल्स वगैरह हैं, जैसे इधर हैं कुछ, इधर हैं कुछ, इधर हैं, तो इनको माशाल्लाह से जो है दोबारा ग्रीन रूम में ही ले जा करके लगाएंगे मेल्स के साथ। कुछ हाई म्यूटेशन के मेल्स हैं यहाँ पर, जैसे वो कुछ ब्लू नज़र आ रहे होंगे आपको इस साइड पर, वो प्रॉपर ब्लू वगैरह के मेल्स को जो है वो भी उनको भी वहाँ पर अभी सेपरेट करना है हमने। दोस्तों हमारे जो नेट का काम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है इंशाल्लाह। वो भी जैसे ख़त्म हो जाता तो इंशाल्लाह आपको उसके आगे की भी अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों मैं जैसे ही आया सुबह तो मुझे फिक्र हो रही थी, पता नहीं डियाना का जो है वो एक अंडा आ गया था, दूसरा अंडा पता नहीं आज आया नहीं आया, तो चेक करते हैं दूसरा अंडा आया नहीं आया। और ये देखें दोस्तों, अंडा तो नहीं आया, लेकिन कौन आया ये देखें, कौन आया भाई, फिदा आया। और भाई फिदा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। चाय शाय ले आएगा हमारे लिए? भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलें तो दोस्तों देखते हैं कि भाई डियाना का जो है वो दूसरा अंडा आया या नहीं आया। कहाँ है भाई डियाना? भाई वो री डियाना, मेरे ख्याल से इसने दूसरा अंडा भी दे दिया है। चेक करते हैं दोस्तों,
नहीं दोस्तों, अभी अंडा नहीं आया इसका, तो इंशाल्लाह जैसे ही इसका अंडा आता है मैं भी पॉसिबल है शायद ये शाम तक जो है वो दूसरा अंडा दे दे रियाना इंशाल्लाह। रोमा कहाँ घूम रहे हो तुम? नीचे मज़े में वॉक करते हुए है भाई। ये देखें भाई, फुल मस्ती मजाक चल रहे हैं भाई इसके। माशाल्लाह दोस्तों देखें डे बाय डे माशाल्लाह बच्चे अच्छी ग्रोथ पकड़ रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितना ज़्यादा और अब माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा वाला वो बैठा हुआ ऊपर। अच्छा तो दोस्तों अब जैसे इनसे काम हो गया, चेक करते हैं कि हमारा जो है वो लकड़ियों का काम कहाँ तक पहुँचा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं आसिफ भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह, काम कहाँ तक पहुँचा? बस यार इंशाल्लाह ऊपर का शेड कंप्लीट करेंगे। सही है। और उसके बाद ये अपना आपके सामने केजेस बने पड़े हैं, बस इनकी नेटिंग करनी है इंशाल्लाह। मतलब ऊपर का जो है ये हम प्रॉपर जो है वो नेट कंप्लीट कर रहे हैं। नेट कंप्लीट करने के बाद माशाल्लाह ये वाला केज हमने तैयार कर दिया था, अब इसके साथ साथ वो वाला भी तैयार कर दिया था। आज जो एक हमारा तीसरा पोर्शन तैयार होना था इस साइड पर जो आएगा और अटैच होकर के, वो भी माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब इस पर भी जो है बस ये नेट वगैरह लगा रहे हैं। अब इस वाले नेट को जो है ये प्रॉपर इस तरीके से करके लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर इस पर जो है ये प्रॉपर स्टेपलर वगैरह चलाते हैं ताकि जो है कि क्योंकि कील वगैरह लगाते यूँ नहीं है कि बर्ड्स का काम है आपको पता है, अल्लाह ना करे। और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे बर्ड्स के जो है वो रिंग डला हुआ होता है, तो कील वगैरह काम में मसला ये होता है कि कभी अल्लाह ना करे किसी की कील वील के अंदर जो है वो रिंग फंस जाए या ऐसा कुछ मसला हो जाए, तो इसलिए हम जो है वो ज़्यादातर जो है नेट वगैरह के लिए वहाँ में स्टेपलर वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कि आसिफ भाई माशाल्लाह वहाँ पर स्टेपलर को यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कोई हथौड़ी वथौड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, ठक ठक ठक, किससे परिंदा भी डिस्टर्ब होता है। अब देखें ये प्रॉपर ये स्टेपलर चला रहे हैं वहाँ पर, ये देखें इनके हाथ पे स्टेपलर नज़र आ रहा होगा आपको। अरे यार दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है लेकिन ना चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है, देखते हैं फिर ने चाय बनाई नहीं बनाई। उतर गया बुखार तुम्हारा? हाँ। है? हाँ। फिदा क्या लगा रहे हो, चमक रहे हो? है फिदा ब्यूटी है। क्या लगा रहे हो? गोल्डन ब्यूटी क्रीम। गोल्डन ब्यूटी क्रीम, गोल्डन ही गोल्डन हो रहे हो माशाल्लाह। हाँ तो मुमताज आप भी चाय इंजॉय कर रहे हो, शर्म तो आनी चाहिए कि मेरे लिए चाय बनाई नहीं बिल्कुल भी, है ना? कहाँ रखी है? अरे हाँ दोस्तों मेरे लिए भी चाय रखी हुई उन्होंने। चले मैं भी अभी चाय पीता हूँ, चाय पी करके फिर इंशाल्लाह से व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मुझे फरहान भाई की भी आवाज़ आ रही है। और सरफराज कैसे हो, ठीक हो ठीक ठाक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो सरफराज? भाई फरहान भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई कैसे तबीयत, ठीक ठाक? फरहान भाई क्या हुआ, चाय नहीं पी रहे? चाय मैंने पी ली है। चाय पी ली, बस आप ठंडी करके चाय पीते हैं, आज जल्दी जल्दी चाय पी ली। पी ली सर, मैं भी काम रुके में थोड़े से फटाफट काम निपटा ले। आज आपने हमारे बगैर ही चाय पी ली? आज आपके बगैर चाय पी ली। आप असल में चाय ऊपर थे और मैं भी नीचे मसरूफ था थोड़ा सा। मैं जरा वो ना डियाना और रोमा के पास था क्योंकि उनकी लैंग स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह, उन्हें एक अंडा दे दिया था और अभी एक अंडा जो है वो और दे देगी इंशाल्लाह दोपहर दोपहर में। चलें मैं चाय इंजॉय करता हूँ, ठीक है फरहान भाई? सरफराज यार गेट तो खोलो, अंदर से कुंडी लगा ली। सरफराज कोई है यहाँ पे? अरे यार गेट अंदर से बंद कर लिया, आ जाओ आ जाओ। तो देखते हैं हमारा केज का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है। फरहान भाई सुबह से ढूंढ रहे थे आपको, आप कहाँ थे फरहान भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों आप धूप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खतरनाक हुई है धूप गर्मी से। ये हमारे जो आसिफ भाई, आसिफ भाई गर्मी की क्या सिचुएशन है? लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आसिफ भाई ने जो है वो काफ़ी सारा काम खींच दिया माशाल्लाह से। ये वाले केजेस भी तैयार हो गए, इनमें भी सेपरेशन लग चुका है, इधर भी सेपरेशन लग चुका है, यहाँ पे भी सेपरेशन लगा रहे हैं। ये वाला भी जो है आधे साधा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, खाली इनमें जो है वो खाली नेट लगना रह गई रह गई है। ऐसी है फरहान भाई? हाँ नेट लगेगी इनके अंदर। ऊपर जो है वो हमारा सारा नेट का काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, अब इससे हमारे पास सेफ्टी ये हो जाएगी। देखेंगे छोटे से शहजादे जो हैं, हाँ भाई शहजादे और थोड़ा सा रह गया है ना, तो छोटे से शहजादे जो हैं ये शहजादे माशाल्लाह माशाल्लाह नेट लगा रहे हैं प्रॉपर वहाँ से लेके यहाँ तक। उधर की जो है वो नेट सारी की सारी कंप्लीट हो गई है, अब बस थोड़ी सी इधर की नेट लगनी रह गई है। ऐसे ही है, ऐसे ही है आसिफ भाई? जी बिल्कुल सर। आसिफ भाई आवाज़ क्यों नहीं निकल ली? बिल्कुल सर ऐसा ही है। पानी वानी पिलवाएं आपको? नहीं नहीं शुक्रिया।
दोस्तों हमारे जो नेट का काम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है इंशाल्लाह, वो भी जैसे ख़त्म हो जाता तो इंशाल्लाह आपको उसके आगे की भी अपडेट देते रहेंगे। अभी मैंने काम से अर्जेंट जाना है कैटल फार्म, तो कैटल फार्म जाकर के इंशाल्लाह वहाँ की भी थोड़ी बहुत अपडेट देता हूँ आपको। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैटल फार्म के अंदर।